नमस्कार, जय श्री राम। मैं प्रियंका मेरे चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आरोग्य सेवा में आज हम बात करेंगे श्वसनी मुद्रा के बारे में। तो चलिए देखते हैं श्वसनी मुद्रा। कनिष्ठा और अनामिका उंगलियों के शीर्ष को अंगूठे की जड़ से लगाएं, मध्यमा उंगली को अंगूठे के शीर्ष से मिलाएं, तर्जनी को बिल्कुल सीधा रखें। तो ये हो गई हमारी श्वसनी मुद्रा। तो चलिए जानते हैं श्वसनी मुद्रा के फायदे। श्वास से जुड़ा कोई भी रोग जैसे दमा, सांस लेने में परेशानी आदि सांस की नली में श्लेष्मा के जमने से पैदा होता है। इससे फेफड़े तक साफ हवा पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती और व्यक्ति सांस के ठीक से अंदर जाने से पहले ही सांस छोड़ देता है। श्वास संबंधी इन रोगों में श्वसनी मुद्रा बहुत फायदेमंद है। यह वरुण मुद्रा, सूर्य मुद्रा और आकाश मुद्रा का समन्वय है। इससे श्वास नली में जमा श्लेष्मा बाहर निकल जाता है और सूजन में कमी आती है। इसके नियमित अभ्यास से सांस छोड़ते समय अधिक जोर नहीं लगाना पड़ता है और धीरे धीरे सांस रोग पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और एक खास बात, श्वास के रोगियों को बाई करवट पे ही लेटना चाहिए। तो ये मुद्रा आपको सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट करनी है। तो ये मुद्रा जिन लोगों को ऐसी श्वास की कोई भी बीमारी है वो अवश्य करें और पूरी तरह से ठीक हो जाए। वीडियो के अंत में मैंने इस मुद्रा का क्लोजअप दिखाया है, वो ज़रूर देखिए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नई मुद्रा के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।